चलिए क्लास इस पीएसवी को सॉल्व करते हैं। तो क्लास ये है आपका गिवन क्वेश्चन, जहां पर आपको एक एमीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है C4H11N, और आपसे कहा गया है कि इस फॉर्मूले से जितने भी डिफरेंट आइसोमेरिक एमीन्स बनेंगे उनके स्ट्रक्चर्स और उनके आईयूपीएसी नेम्स आपको लिखने हैं। चलिए क्लास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे C4H11N द्वारा बनने वाले ऐसे एमीन्स की जो कि वन डिग्री होंगे। तो क्लास ये है पहला एमीन और ये इसकी नंबरिंग है और इसका नाम है ब्यूटानामीन। ये है सेकंड एमीन जिसमें नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगी और इसका नेम है ब्यूटेन 2-amine। ये है थर्ड एमीन, यहाँ पर नंबरिंग आप देख सकते हैं और इसका नाम है 2-methylpropane-2-amine। और ये है इस प्रकार का फोर्थ एमीन, यहाँ पर नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगी और इसका नेम होगा 2-methylpropane-amine। तो क्लास आप देख सकते हैं कि इन सभी एमीन्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C4H11N है और ये सभी वन डिग्री या प्राइमरी एमीन है। तो क्लास इस फॉर्मूले के साथ हम टोटल चार प्रकार के डिफरेंट प्राइमरी एमीन्स बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ हम सेकेंडरी और टर्जरी कितने एमीन बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ऐसे सेकेंडरी एमीन्स की जिनका फॉर्मूला C4H11N होगा। क्लास ये है पहला एमीन और ये है यहाँ पर कार्बन चेन में नंबरिंग और इसका नेम है N-ethyl-ethanamine। ये है सेकेंड एमीन, यहाँ पर नंबरिंग आप देख सकते हैं और इसका नेम है N-methyl-propane-amine। और ये है हमारा तीसरा एमीन जहाँ पर नंबरिंग कुछ इस प्रकार से है और इसका नेम है N-methylpropane-2-amine। तो क्लास ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ एमीन्स जिनका फॉर्मूला C4H11N है और जो 2 डिग्री हैं। दिए गए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ हमने 1 डिग्री एमीन चार प्रकार के बनाए थे और 2 डिग्री एमीन तीन प्रकार के हैं। तो टोटल अब तक हम 7 प्रकार के डिफरेंट एमीन्स बना चुके हैं। आइए अब देखते हैं 3 डिग्री एमीन इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ। तो क्लास ये है वो 3 डिग्री एमीन, कार्बन चेन की नंबरिंग आप यहां पर देख सकते हैं और इसका नेम है NN-dimethyl-ethane-amine। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 8 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हो गए हैं एमीन्स के, जो सभी C4H11N मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं।